नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर शुरू। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, इसकी जानकारी केंद्रीय टीम ने दी। टीम ने अपने रिपोर्ट में बताया, राज्य में मरीजों का पता लगाने, जांच करने, उन्हें एवं उनके संपर्क में आए व्यक्तियों को पृथक रखने पर बहुत सीमित सक्रिय प्रयास हो रहे हैं तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोग कोरोना संबंधी सुरक्षा नियम पालन भी नहीं कर रहे। महाराष्ट्र को मुख्य सचिव सीताराम कुंते को भेजे एक पत्र में कहा गया है कि वैसे तो फिलहाल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर्याप्त हैं, लेकिन राज्य को समय रहते विषमतम स्थिति की योजना बनानी चाहिए। झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड समेत अन्य राज्यों के 14 विधानसभा सीट और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक के 2 लोकसभा उपचुनाव के तारीख की घोषणा कर दी है। बता दें, झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल 2021 को वोटिंग होगी, वहीं 2 मई 2021 को मतगणना की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें, झारखंड सरकार में मंत्री सह मधुपुर विधानसभा सीट से झामुमो विधायक हाजी हुसैन अंसारी के आकस्मिक निधन से खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को किया। अगले 4 वर्षों में खेती से जुड़ेंगे 24 लाख लोग, बादल पत्रलेख। आने वाले 4 वर्षों में 24 लाख लोगों को कृषि कार्य से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें, सरकार का उद्देश्य है कि इन 24 लाख लोगों को खेतीबाड़ी से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जाए और इस लक्ष्य को पूरा करने में पशुपालन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लोगों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री पशुधन योजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। ये बातें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित रिफ्रेशर कोर्स कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन करने के बाद कही। शिक्षक बहाली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण। प्राथमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में पारा शिक्षकों को मिलने वाले 50% आरक्षण का लाभ बीआरपी सीआरपी को भी मिलेगा। बता दें, शिक्षा सचिव राहुल शर्मा के साथ बीआरपी सीआरपी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई वार्ता में सचिव ने आश्वासन दिया कि समग्र शिक्षा अभियान की राज्य कार्यकारिणी की 55वीं बैठक के अनुसार प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य कार्यकारिणी की 56वीं बैठक में बीआरपी सीआरपी को 5% अलग से आरक्षण का निर्णय ले लिया गया है, जो गलत है। इस पर उन्हें 55वीं बैठक के निर्णय के अनुसार ही आरक्षण का लाभ देने का आश्वासन दिया गया। ममता बनर्जी के लिए बंगाल में प्रचार करेंगे सीएम हेमंत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही वहां जाएंगे। बता दें, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में उनके नेता सक्रिय रूप से टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में कांग्रेस के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। अप्रैल प्रथम सप्ताह से होगी बालू घाटों की बंदोबस्ती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में नए वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से बालू घाटों की बंदोबस्ती शुरू होगी। बालू खनन को लेकर पिछले सरकार ने जो गलत व्यवस्था शुरू की थी, उसे उनकी सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है। इसमें थोड़ा समय लग रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को विधानसभा में राज्य में हो रहे अवैध बालू खनन के विपक्ष के आरोप पर सरकार का जवाब दे रहे थे। गढ़वा में 4 युवकों ने महिला के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म। गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रंका थाना में आवेदन देकर थाना क्षेत्र के सलेया जंगल में 4 लड़कों द्वारा गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है। महिला ने थाना को दिए आवेदन में उल्लेख किया कि मंगलवार को रंका में हॉट बाजार का दिन होने के कारण वह अपने पिता के घर रामकंडा थाना क्षेत्र के दुर्जन गांव से कपड़ा की खरीदारी करने आई थी। खूंटी में 2 लाख का इनामी पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी के तोरपा में पुलिस ने पीएलएफआई के उग्रवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, गिरफ्तार उग्रवादी सैमुएल कंडुलना 2 लाख रुपए का इनामी है और वह पीएलएफआई का सक्रिय सदस्य है। बता दें, खूंटी एसपी आशुतोष शेखर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी की पुलिस को लंबे दिनों से तलाश थी। आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर इस्पात राज्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन।
आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, आदिवासी जन परिषद एवं आदिवासी लोहरा समाज सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार के इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते एवं कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा को ज्ञापन सौंपा। झारखंड में 76 नए संक्रमित की पुष्टि हुई है, जो रांची से 45, पूर्वी सिंहभूम 18, बोकारो 3, गिरिडीह 2, गढ़वा 1, गुमला 2, सिमडेगा 2, साहिबगंज 1, दुमका से 2 मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1094 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 577 है। भारत में 28,869 नए केस मिले हैं। भारत में कुल मौत की संख्या 1,59,079 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 2,31,335 है। झारखंड सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बजाय ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस। राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ स्टार्ट बिजनेस पर फोकस करना चाहती है, यानी पहले उद्योग आरंभ हो उसके लिए नीतियों को आसान किया जा रहा है। जब एक बार उद्योग आरंभ हो जाएंगे तो आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। बता दें, राज्य सरकार उद्योग लगाने में बाधक बन रहे 90 प्रावधानों को 31 मार्च के पहले समाप्त कर देगी। रांची में टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करेंगे चैम्बर। कोविड-19 टीकाकरण में जागरूकता फैलाने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब और विभिन्न एनजीओ जिला प्रशासन का सहयोग करेंगे। इसे लेकर सोमवार को समन्वय स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान कई गैर सरकारी संगठनों ने कोरोना टीकाकरण हेतु जागरूकता फैलाने में अपनी रुचि दिखाई। लोहरदगा में नक्सलियों का उपद्रव। लोहरदगा में एक बार फिर नक्सलियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए उपद्रव की घटना को अंजाम दिया है। बता दें, प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर को फूंक डाला और रोड रोलर को योजना स्थल के समीप स्थित नाला में धकेल दिया है। इसकी पुष्टि SP प्रियंका मीणा ने की। घटना को अंजाम देने के बाद सड़क निर्माण योजना का कार्य देख रहे मुंशी मुन्ना गुप्ता का नक्सलियों ने पिटाई करने के बाद अपहरण कर अपने साथ ले गए। डाल्टनगंज से रांची व पटना के लिए शुरू होगी विमान सेवा। नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत डाल्टनगंज, मेदिनीनगर से रांची व पटना सहित देश के कुल 392 मार्गों के लिए निविदा आमंत्रित की है। बता दें, यह निविदा प्रक्रिया 6 सप्ताह में पूर्ण होने की उम्मीद है। यह जानकारी पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने सोमवार को दी। सांसद ने बताया कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के इस साल 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब तक इसके तहत 325 मार्ग व 56 हवाई अड्डे परिचालन में हैं। RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों का रिजेक्ट किए आवेदन की जांच होगी। शिक्षा के अधिकार RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा किए गए आवेदनों के रिजेक्शन की जांच होगी। बता दें, BRP और CRP की टीम स्कूल में जमा किए गए आवेदनों की जांच करेगी कि इसे क्यों रिजेक्ट किया गया। यह निर्देश मंगलवार को समन्वय सभागार में शिक्षा विभाग के संबंधित समीक्षा बैठक में DC छवि रंजन ने दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित पदाधिकारी स्कूलों के रिजेक्शन का रिपोर्ट दे। वित्त रहित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने विधानसभा का किया घेराव। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले राज्य के वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा का घेराव किया। बता दें, मोर्चा ने वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त करने, स्कूल कॉलेजों के मामले को प्रशासनिक आयोग के पास भेजने, स्कूल कॉलेजों को अधिग्रहण कराने या घाटा अनुदान देने, स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालयों को वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुदान देने, संस्कृत व अन्य संस्थाओं को दोगुना अनुदान देने की मांग की। रांची में पंचायत स्तर पर टीकाकरण का कार्य तेज। रांची जिला में पंचायत स्तर पर टीकाकरण का कार्य तेज हो गया है। बता दें, अलग अलग पंचायत भवनों में रोस्टर के अनुसार लोगों को कोविड-19 का वैक्सीन दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य सहायक द्वारा दीवार लेखन किया जा रहा है। 6,000 में से 4,065 झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित। झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने के लिए गठित झारखंड वनांचल चिन्हितीकरण आयोग का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो गया। बता दें, इस आयोग के समक्ष 6,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें अब तक 4,065 झारखंड आंदोलनकारी की पहचान की गई।
सरकार ने यह जानकारी विधायक राज सिन्हा के अल्पसूचित प्रश्न पर दी है। झारखंड में 25 करोड़ का पंप सेट घोटाला। सरकारी कैलेंडर में मार्च का महीना आते ही लूट और घोटाले की नई नई तस्वीरें सामने आने लगी है। बता दें, एक बार फिर राज्य के किसानों को पंप सेट का लाभ पहुंचाने के नाम पर सरकारी पैसों की लूट का मामला सामने आया है। मामला कृषि विभाग से जुड़ा है, जहां 8,000 की बजाय कीमत वाले पंप सेट को 16,000 में खरीद कर करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया। इस मामले में न्याय के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी चल रही है। जमीन लीज लेने मामले में 15 दिनों के जांच के बाद कार्रवाई मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में यह घोषणा की कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी अंचल स्थित पांड्रा साली मौजा मेसर्स 10-31 द्वारा आदिवासी रहती की जमीन को CNT एक्ट का उल्लंघन कर बहला फुसला कर औने पौने दाम में लेने के शिकायतों की जांच 15 दिनों में होगी और जांच के बाद कार्रवाई होगी। मॉब लिंचिंग की शिकार मुबारक की पत्नी CM से मिली। रांची के अनगड़ा थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग के शिकार मृतक मुबारक खान की पत्नी तबसुम खातून अपने 2 छोटे बच्चे के साथ मंगलवार को विधानसभा परिसर पहुंची और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बता दें, तबसुम ने CM से मुआवजा राशि, नौकरी और बच्चों की पढ़ाई की उचित व्यवस्था करने का आग्रह किया। झारखंड के 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की सभी प्रक्रिया पूरी, जल्द मिलेगी नौकरी। मंत्री, झारखंड में खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है। बता दें, राज्य के प्रत्येक जिले में कोई न कोई ऐतिहासिक धरोहर है जिसे संरक्षित और उसके विकास की योजनाएं बनाई जा रही है। राज्य के 40 खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास संचिका को भेज दिया गया है, जिन्हें बहुत जल्द नौकरी प्रदान किया जाएगा। यह बात अल्पसंख्यक कल्याण सह खेलकूद युवा कार्य व पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने लातेहार में प्रमंडल स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही। धन्यवाद।